हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेट्रो इंडिया में। आज मैं आपके लेके आया हूँ कि गाड़ी का इंजन चेक लाइट रीसेट कैसे करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इंजन चेक लाइट होता क्या है। आपको यहाँ पे जो साइन दिख रहा है वो है इंजन चेक लाइट, और ये सब लाइट जो है वो चालू रहते हैं जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होना बाकी, मतलब इंजन जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक ये लाइट अगर चालू है तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब आपका इंजन शुरू हो जाता है तब इसमें से कोई भी लाइट नहीं लगना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं बटन शुरू करूँगा इग्निशन का तब यहाँ पे सब लाइट लगेंगे। देखिए, अब सब लाइट जितने भी इसमें हैं वो सब लगे हुए नाउ सब चले गए। अब जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये लाइट बंद होनी चाहिए। सो मैं दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर दिए तो जितने भी लाइट्स थे वो सब चले गए, इंक्लूडिंग चेक लाइट का। अब ये रिजर्व पे लगी है गाड़ी तो वो लाइट नहीं जाएगा, प्लस मैंने हैंड बैग लगा के रखा है तो वो लाइट नहीं जाएगा। मैं हैंड बैग निकाल देता हूँ तो वो भी लाइट चला गया। सो ये दो लाइट्स आपके चल जाएंगे अगर गाड़ी शुरू होती है, और ये दो लाइट दिख रहे तो इट्स नॉर्मल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं कि ये लाइट रीसेट कैसे करें अगर आपका इंजन चेक लाइट शुरू है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न होता है इंजन चेक लाइट शुरू होने का, तो कई बार ये होता है कि हम फ्यूल भराते तो आपकी जो कैप लगी होती है वो ढीली लग रही थी, तो उसकी वजह से इंजन चेक लाइट शुरू होता है। तो अगर आपका लाइट कभी ये शुरू होता है तो सबसे पहले आपको चीज़ चेक करना है वो है इसका फ्यूल कैप। आप इसको लगा दीजिए तो आप उस पर भी हो, फ्यूल स्टेशन पे वहाँ पे भी चेक कीजिए, जब आप कैप लगाते हो तो उसमें से ये वाली आवाज़ आनी चाहिए। दिस मीन्स ये लॉक हो चुका है। अगर ये टक टक की आवाज़ आती है इसका मतलब आपके गाड़ी का कैप जो है अच्छे से लगा है। दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है गाड़ी का इंजन चेक लाइट रीसेट करने का, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इंजन चेक लाइट का अगर लाइट आ रहा है तो वो सीरियस भी हो सकता है। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको आपका फ्यूल कैप चेक करना है, फ्यूल कैप अगर ठीक से नहीं लगा है तो वो लाइट लगेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आपके बैटरी के टर्मिनल्स जो है उसे निकाल दीजिए फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। अगर 2 मिनट के लिए आप वो लाइट निकाल देते हैं उसके टर्मिनल, तो उससे आपके गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो हार्ड रिसेट हो जाता है। अगर वो हार्ड रिसेट हो जाएगा तो पूरा जो डेटा है उसका वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर वो लाइट चल रहा है इंजन चेक लाइट का, तो प्लीज़ गाड़ी को शोरूम में लेके जाइए या सर्विस स्टेशन पे लेके जाइए। दोस्तों, अगर गाड़ी के बैटरी टर्मिनल निकालने के बाद भी अगर इंजन चेक लाइट नहीं जा रहा है तो दैट मीन्स गाड़ी में कोई इशू, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो जब आपने बैटरी टर्मिनल निकाली उसके बाद वो चला गया बट थोड़ी देर चलाने के बाद फिर से आ गया, दैट मीन्स गाड़ी में कोई बड़ा इशू है। सो आप एक काम कीजिए, अगर आप हाईवे पे हो तो करीबी सर्विस स्टेशन पे गाड़ी लेके जाइए। अगर आप सिटी में हो तो प्लीज़ गाड़ी को साइड में खड़ी कर दीजिए और कॉल रोड साइड असिस्टेंस। उससे क्या होगा, वो आएंगे, गाड़ी चेक करेंगे और आपको फॉल्ट भी बता देंगे। अगर मेजर फॉल्ट नहीं तो वही के वो उसको रिसेट कर देंगे। अगर मेजर फॉल्ट है तो दे'ल टेक योर कार टू सर्विस स्टेशन और वो क्लियर करके आपको गाड़ी देंगे, बिकॉज हो सकता है इससे बहुत बड़ा खर्चा आपके पीछे आ जाए अगर उसको सही टाइम पर अटेंशन नहीं दिया गया। सो ये कुछ तरीके थे गाड़ी रिसेट करने के, और भी एक तरीका है वो करने का बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज वी आर नॉट मैकेनिक तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। आपको ऑनलाइन अगर सर्च करते हो आप अमेज़ोन पे वगैरह, तो आपको उसमें OBD स्कैनर मिल जाता है। OBD स्कैनर आपके गाड़ी में नीचे कनेक्ट करना पड़ता है, वो आप जब कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे उसमें आपको सब कोड दिखा देता है अलग अलग जो भी है, और उसको आप रिसेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कोड्स करके ऑप्शन रहता है वो करते हो तो सब कोड चले जाएंगे, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट। तो ये कुछ तरीके थे आसान। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।